Consider the following statement. Cos theta plus sec theta can never be equal to 1.5. ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकते हैं. देखो cos theta plus 1 upon cos theta is equal to 1.5, यानी कि 3/2 रख लेते हैं. cos square theta plus 1 upon cos theta is equal to 3/2. मैं cos theta को x मान लेता हूँ, तो 2x square plus 2 is equal to 3x. तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें d निकालते हैं. b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 4 ac यानी कि 2 इंटू 2, देखना 9 माइनस 16 नेगेटिव आ गया, तो 3/2 तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है ना. कैन नेवर बी इक्वल टू 1, ये सी है, नेवर बी का ना, ये बहुत क्रूशल चीज़ है, नहीं हो सकता. ये ठीक है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है. tan theta plus cot theta can never be less than 2. देखो tan theta को लिख सकते हैं हम sin theta upon cos theta, और cos theta को लिख सकते हैं cos upon sin. LCM लोगे sin square plus cos square कितना देगा, 1 upon cos theta sin theta. ठीक है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा लें तो ये आ गया 2 upon sin 2 theta. इन्हें कह रखा है दिस कैन नेवर बी लेस देन 2, 2 से छोटा नहीं हो सकता. यार sin 2 theta की जो है मिनिमम वैल्यू -1 होती है, जैसे -1 रखें तो -2 आ जाएगा, तो है ना. तो tan theta plus cot theta can never be less than 2, तो ये गलत हो गया. तो कौन सा करेक्ट है, ओनली वन इज करेक्ट. ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए. ये क्वेश्चन ना बहुत बड़ा है. ठीक, इसे एक काम कर लेते हैं, हम डायरेक्ट याद रख लेते हैं, इसका आंसर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर. वैसे मैं बता देता हूँ कैसे आएगा. ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, डिफरेंशिएट करा लेते हैं. ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कितना था, 2 सेक थीटा, एंड सेक थीटा का कितना देगा, सेक थीटा टेन थीटा. बी स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर थीटा क्या, 2 कॉस सेक थीटा, और कॉस सेक थीटा का माइनस का कॉस सेक थीटा कॉट थीटा. और डिफरेंशिएट करने का था, हम फिर किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल. थोड़ा स्टेप छोड़नी पड़ेगी, 2a स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2b स्क्वायर sin स्क्वायर आएगा. देखो sin क्यूब इंटू 1 sin पावर 4 थीटा अपॉन cos पावर 4 थीटा इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. तो देखो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया, रूट बी अपॉन रूट, यानी कि टेन थीटा आ गया. ठीक, टेन थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो हाइपोटन्यूज क्या आएगा, अंडर रूट ए प्लस बी आ जाएगा, है ना. अगर हाइपोटन्यूज अंडर रूट ए प्लस बी आ जाएगा तो अब देखो ए स्क्वायर अब सेक स्क्वायर थीटा, है ना, sec स्क्वायर थीटा. भाई sec स्क्वायर थीटा यानी कि हाइपोटन्यूज अपॉन बेस, है ना, ए स्क्वायर हाइपोटन्यूज ये, इसका स्क्वायर कर लो जरा, ए प्लस बी अपॉन बेस, बेस कितना आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर इसकी आ गया प्लस बी स्क्वायर. ये है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा क्या था, हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ए प्लस बी, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर. तो एक ए कैंसिल होगा, एक बी कैंसिल, यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लो और बचेगा क्या हमारे पास, ए प्लस बी, तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, ये टफ पड़ जाता है क्वेश्चन. ठीक है, अगर तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता तो.